हम वहाँ के एम्बियंस अपने दर्शकों को सुनाना चाह रहे हैं, ये सुनिए। सीधी तस्वीरें इस वक्त पेरिस से आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। किस तरह से, चूंकि विशिष्ट अतिथि भी हैं, कल बैस्टल डे परेड होना है और उस परेड के विशिष्ट अतिथि के तौर पर फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है, इसलिए भी ये बहुत ही खास मेहमान नवाजी, ये खास अगवानी की जा रही है फ्रांस की तरफ से, जहां की खुद वहां की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न एयरपोर्ट पर पहुंची हुई है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करते हुए साथ साथ चलते हुए वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पहले भारत के धुन, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रीय धुन। और इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं भारत और फ्रांस के बीच गहरे होते संबंधों को, जब वहां की पीएम खुद अगवानी के लिए पहुंची। बिल्कुल, और निश्चित तौर से भारत के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण और सम्मान का एक पल, क्योंकि रेड कार्पेट बिछाया है फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारत को एक तरीके से जो सम्मान दिया उसने राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे हुए हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, खुद फ्रांस की प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने के लिए पहुंची एलिजाबेथ बॉर्न, और ये अपने आप में दर्शाता है। और तमाम अन्य लोग भी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस वक्त तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं अजीत डोवाल साहब, इसके अलावा विदेश सचिव और तमाम अन्य महत्वपूर्ण लोग, जो कि भारतीय एक तरीके से श्रेष्ठ मंडल का हिस्सा भी है, जो प्रधानमंत्री के साथ में इस वक्त मौजूद है। तो वहीं फ्रांस की ओर से तमाम अन्य आला अधिकारियों, तमाम अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त परिचय प्राप्त करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, और अब यहां ऐसे साथी। और ये तस्वीरें भी, ये लाइव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां हमने कहा कि जो भारतवंशी वहां पे एक झलक पाने के लिए पीएम मोदी की मौजूद थे, खुद प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे हैं
और उनका हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए आप इन पगड़ियों के जरिए देख सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के हो सकते हैं जो कि वहां पे गए हुए हैं। ये गुजराती पगड़ी एक तरीके से कह सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में भारत की विविधता को दिखाई पड़ता है। भारत माता की जय के जयकारे